अपना भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मस्तूरी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत सुकुलकारी में सरपंच राजकुमारी पैकरा के काम काजों को लेकर जनप्रतिनिधि नाखुश थे, जिसके कारण उन्होंने एसडीएम कार्यालय मस्तूरी में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसका एसडीएम के द्वारा जांच उपरांत दिनांक 4 दिसंबर 2021 को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनाव होने की तिथि तय की गई थी, जिसका ग्राम पंचायत सुगुलकारी के पंचायत भवन में पीठासीन अधिकारी के रूप में तहसीलदार अतुल वैष्णव, पंचायत इंस्पेक्टर विनय, बीएन कुर्रे की उपस्थिति में चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें टोटल वोटिंग 13 हुई, जिसमें 4 वोट सरपंच रहे राजकुमारी पैकरा को मिले, 9 वोट विपक्ष में रहे पंचों को मिले जीत के बाद सरपंच पक्ष के लोगों ने खूब रंग गुलाल लगाते हुए पटाखे फोड़कर आतिशबाजी किए। वहीं जीत घोषित होने के बाद राजकुमारी पैकरा ने कहा कि यह मेरी कार्यकाल की दूसरी जीत है, अब की बार मैं सभी को एक साथ एकमत होकर साथ चलूंगी। राजनीतिक में हार जीत लगी रहती है, मनमुटाव भी रहता है, सभी बातों को मैं दरकिनार कर पंचायत में सभी जनप्रतिनिधियों को एक साथ लेकर चलने की बात कही। अमित खुटे की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।